हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेहरा व्लॉग्स। और मैं हूँ रिचा। मैंने जो लास्ट व्लॉग डाला था वो हाफ डे का व्लॉग था, तो उसी दिन का ही ये हाफ डे का व्लॉग है। तो शाम होने वाली थी तो मैंने सारे कपड़े डाल दिए मशीन पे धुलने के लिए। फिर आ गई मैं नीचे, मैं अपना जैकेट्स ढूंढ रही थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो फर्स्ट जैकेट ये है जो कि मेरे हस्बैंड जब अमरनाथ गए हुए थे तो मेरे लिए लेके आए थे। तो आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा लॉन्ग जैकेट है। इसका कलर और साइज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और साइज़ तो आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा परफेक्ट साइज़ है। देन ये सेकेंड जैकेट है जो कि क्रीम कलर की है। लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो उनके बर्थडे वाले दिन पे मेरे हस्बैंड ने मुझे ये जैकेट दिलाई थी। इस वाले जैकेट के फिटिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये मैंने चेक करके ली थी। जो पहले वाला जैकेट मैंने आप लोगों को दिखाया तो उसकी जो कैप थी वो पूरे फर वाली थी, और जो मैं अभी सेकेंड जैकेट जो मैंने पहना हुआ है उसकी जो टोपी थी उसमें सिर्फ साइड में ही फर लगा हुआ था। ये थर्ड नंबर का जैकेट है, ये भी मेरे हस्बैंड अमरनाथ से लेके आए थे मेरे लिए। ये शॉर्ट जैकेट है जो कि जीन्स पे ही पहना जा सकता है। जैकेट के जो अंदर का फैब्रिक है वो पूरा वेलवेट वाला है, और ऊपर से जैकेट पैटर्न है। सॉरी गाइज, आज मुझे बहुत सारा काम था इसलिए आप लोगों को मैं ऐसे सूट पे ही सब जैकेट्स पहन के दिखा रही हूँ। आई नो कि ये सारे जैकेट जीन्स पे ही बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे, बट कोई नहीं गाइज, जब मैं इसे जीन्स के साथ भी वेयर करूँगी तो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप कि आप लोगों को इसका पैटर्न भी अच्छा लग रहा हो। देन फोर्थ नंबर में है ये ब्लू कलर का स्वीट शर्ट जो कि मैंने ऑनलाइन मिंत्रा से मंगाया हुआ था। इसका डिज़ाइन और कलर मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, तो ये मैंने लास्ट ईयर मंगाया था। ये सारे जैकेट्स और स्वीट शर्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो पूरे के पूरे न्यू हैं, जो कि लास्ट ईयर के हैं, और लास्ट ईयर मुझे पहनने का मौका नहीं मिला, तो मैं इस साल ये सारे न्यू न्यू जैकेट्स एंड स्वेटर ज़रूर पहनूंगी। आई होप गाइस कि आप लोगों को मेरे जैकेट्स अच्छे लगे हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोगों को मेरे हस्बैंड की चॉइस अच्छी लगी हो। एंड मैं आपको कैप दिखाना तो भूल ही गई, ये भी मेरे हस्बैंड ही लेके आए थे, जो कि साइज़ में थोड़ी सी बड़ी है। जो मैंने ग्रीन कलर का आपको कोट दिखाया था ये उससे मैचिंग है। मैं कैप लगा के अपने हस्बैंड के पास गई और मैंने उनसे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने उनको बोला कि देखो कितनी बड़ी कैप है, और जैसे मैंने अपना सर झुकाया वो कैप इतनी बड़ी हो गई। और देन मेरे हस्बैंड का रिएक्शन तो आप देख ही सकते हो। फिर मुझे भूख लग गई तो मैं सोची थी कि मैं क्या बनाऊं, फिर मुझे याद आया कि मैंने बहुत दिन हो गया बेसन का चीला नहीं बनाया है, तो मैं जल्दी जल्दी से प्याज काटने लगी। फिर मैंने कच्ची मिर्च काटी, बेसन का चीले के लिए घोल बनाया, फिर मैंने जल्दी से तवा चढ़ा दिया क्योंकि बेसन का चीला बहुत जल्दी बन जाता है। मैंने जल्दी से दो चीले बनाए, और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी कि मैंने वीडियो बनाते बनाते ही आप देख सकते हो कि मैं चीले अचार के साथ ही खाने लग गई।
तो गाइज मैंने कपड़े प्रेस कर दिए हैं, तो ये भी काम मेरा खत्म हो गया है। ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज रिचेश मेहरा व्लॉग्स। बाय गाइज।